हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग सभी ठीक होंगे। और आज मेरा थोड़ा टूर है, तो आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आज है 27 तारीख और ज़रा मुझे किसी काम से मुझे ज़रा मुंबई तक जाना है। तो बस ये मैं घर से निकल गया हूँ, पैदल पैदल जा रहा हूँ थोड़ा। और मुझे मेरी ट्रेन है अभी शाम की 5:30 बजे की काडू नाम से। तो अभी 3 बज गया है, बस यहीं से बस पकड़ता हूँ और फिर बाकी का अपडेट बाद में करता हूँ। तो मैं ये बस में बैठ गया हूँ, मुझे बस मिल गई है, बस मेरा सफ़र शुरू हो गया है और मैं चला गया हूँ यहाँ से काडूगाम फुलवारी की ओर। तो मैं पहुँच गया हूँ काडूगाम रेलवे स्टेशन के, वहाँ पे मुझे बस ने यहीं पर ड्रॉप किया। ये देखिए, ये है काडूगाम का रेलवे स्टेशन। बस मेरी ट्रेन यहीं से है, थोड़ी देर में 5:30 बजे करीब मेरी ट्रेन है। तो दोस्तों मैं बैठ गया हूँ ट्रेन में और मेरी सीट अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। मेरा है RAC में, अभी भी RAC में ही है, देखते हैं कब तक कंफर्म होगा। दोस्तों मेरी ट्रेन रात को सीट कंफर्म हुई, रात करीब 1 बजे करीब। अभी दूसरा दिन शुरू हो गया है, हम लोग सभी ऐसे ही बैठे हुए हैं। ये मुझे भोली के अंकल मिले, कि हल्द्वानी का दोस्त मिला रक्षित, और ये बड़ौदा जा रहा है और ये अंकल भोली से ही हैं। तो हमारी दूसरे दिन की जर्नी शुरू हो गई है। ये आंटी है हमारी भोली से। अच्छा, छोटे की लड़की है। दोस्तों मुझे ये इस नदी का नाम तो नहीं पता, पर ये नदी है बड़ी सुंदर सी, काफ़ी लंबी है, काफ़ी चौड़ी है और इसी के ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है। ये देखिए, फाइनली कम से कम रात को 8 बजे करीब हम बोरीवली पहुँचे। ये है बोरीवली स्टेशन मुंबई में और इसके थोड़ा सा आगे ही मुझे जाना है। फाइनली मैं मुंबई पहुंच गया और मैंने टैक्सी ले ली है। अब मैं जा रहा हूं अपने, और यहां मेरा रूम है, ये है कलीना यूनिवर्सिटी और यहीं मुझे रूम मिला हुआ है और मुझे यहीं जाना है। देखिए ये कलीना यूनिवर्सिटी का कैंपस, ये है मेरा कैंपस जहां मैं आया हुआ हूं। देखो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, मैं हूँ अभी कलीना यूनिवर्सिटी में मुंबई में और मुझे इसके बाद जाना है वहाँ। ये कलीना यूनिवर्सिटी का कैंपस है, ये देखो। कैंपस वो, मैं थोड़ा सा घूम के आता हूँ आगे तक, देखते हैं कि कहाँ ये कैंपस कितना बड़ा है, कैसा है। मुझे तो बड़ा मस्त मज़ा आ रहा है यहाँ आगे। क्या हाल चाल है? हाँ यार, ये मेरा रूम है बढ़िया सा और ये मेरे रूम से व्यू है बाहर का, ये देखो। ये है पूरा यूनिवर्सिटी का कैंपस, मतलब ये बहुत बड़ा है, ये थोड़ा सा जो मेरे विंडो से दिख रहा है उतना ही है और बाकी इसमें कुछ वीडियोस अपलोड हैं इसमें जो अटैच करी हुई हैं उसे देखना। मौसम भी इतना मस्त हुआ है आज, तो बिल्कुल गर्म भी नहीं है। ये है कैंपस। तो दोस्तों मुझे थोड़ा जाना है मुंबई की तरफ को, चर्च गेट की तरफ को, तो मैंने ले ली है और टैक्सी यहाँ से और मैं चला गया हूँ चर्च गेट की तरफ को। तो बीच में इतने सुंदर सुंदर से तो बहुत सी प्यारी प्यारी जगह दिखी मुझे जो इसने कैप्चर करी हुई हैं। तो समस्या ये है कि पब्लिक इतनी ज़्यादा है, जगह है नहीं,
हर किसी के घर में दो दो तीन तीन गाड़ियाँ होंगी तो कैसे चलेगा, तो कहाँ तक तुम मुश्किल चलाओगे। ये है सिद्ध विनायक मंदिर जी, जय हो। दादर में है ना सिद्ध विनायक मंदिर, प्रभा देवी पे। ठीक है, इस बार जाना है सिद्ध विनायक मंदिर। अंडरग्राउंड मेट्रो यहीं से। अच्छा ये वाली बिल्डिंग है जो, अरे ये वाला ये जो क्रेन वगैरह खड़ी है ना। अच्छा ये यहीं से, वो जो चीजें हैं ये दोनों चीजें, आजाद मैदान जो था वो भैंसों को चरने का चारागाह था। अच्छा, जब जजीरे के टाइम पे मैंने इतिहास को पढ़ा था। हाँ हाँ, तो वहाँ पे लोगों की भैंस चरा करती थी। अच्छा, अब वो धीरे 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 जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे, अब वो ये है कि वो मैदान जो था मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में रह गया। ठीक है, तो वो किसी के कब्जे में वो लोगों ने नहीं दिया, नहीं दिया। अच्छा हुआ हाँ। कि बड़े बड़े आज के जैसे चोरों का टाइम होता हाँ। तो वो किसी ने किसी को बेच देते, बेच देते बिल्कुल। बस बस बस, ये महालक्ष्मी है, ये महालक्ष्मी राइट की राइट में राइट। ये उनका बंगला है, ये इंटीरियर टावर है ना। इंटीरियर टावर ये है। मैं पहले यहीं पर रहता था। अच्छा अच्छा, यहाँ पे हॉस्टल है ना हमारा, मरीन ड्राइव। हाँ, तो वो भी रोड में रहता था मैं यहाँ पे। अच्छा, तो अभी बाहर हैं आप? नहीं नहीं, मैं हूँ यहीं, मैं उत्तराखंड से हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पढ़ाई करता था ना, तो अच्छा, हमारा हॉस्टल था यहाँ पे। ये वाला था मेरा हॉस्टल। सर यहाँ पे अब आप हमको आगे बताना, आपने वो कहाँ पे चर्च गेट स्टेशन, ये आ गया फ्लोरा फाउंटेन। फ्लोरा फाउंटेन एक टाइम था कि दिन भर इस पे फुहारे चालू रहते। अच्छा, यहाँ से सीधा लेफ्ट सर, वो सीधा करके काफ़ी साल बाद वो पुरानी आदत आ जा हुई। अरे ये बिल्डिंग पे भी रिनोवेशन चालू हो गया, ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है यहाँ। ये है राजा भाई टावर, मैंने कर लिया है। अभी मुझे कहीं जाना है थोड़ा, तो मैं अभी यूनिवर्सिटी से अपनी लाइब्रेरी से बाहर आ गई। अब देखो ज़्यादा गर्म हो रहा है हमारे वहाँ नैनीताल साइड को, तो इतना ठंडा है और यहाँ कम से कम 36 डिग्री चल रहा है अभी टेम्परेचर दिन में, और हमारे वहाँ जैकेट पहनने की स्थिति है। जहाँ पर मैं अभी जिस लाइब्रेरी में मैं गया हूँ उसके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। जैसे वो गोथिक शैली का बना हुआ है, 19th century का गोथिक शैली का बना हुआ वेस्टर्न कल्चर का एक हेरिटेज साइट है। और गोथिक शैली के बारे में शायद आपको पता ही होगा, वो बहुत बड़े बड़े घर बनाते थे और बहुत हैवी स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर उनका रहता था। तो एक बहुत हेरिटेज बिल्डिंग है जिसमें जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए आजकल यहाँ पर सिक्योरिटी भी लगी हुई है, क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में चला गया है। तो बड़ा मज़ा आ रहा है उस जगह पे जाके आज। तो कल भी रूम में रात को ही बोलता था, आज भी देर हो गई है कि
कितना बज गया, 8:30 बज गया भाई साहब। ये गांधी जी के 3 मंदिर।